बिहार के मोतिहारी में लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया है। बेकाबू भीड़ ने पुलिस के दरोगा को घेर लिया। हालात ऐसे हो गए कि दरोगा को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। दरअसल यहां जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक वाहन ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। दरोगा ने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग की। सड़क हादसे के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरह से भीड़ के बीच फंसे दरोगा ने की हवाई फायरिंग। बिहार के मोतिहारी में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। एक तरफ पुलिस दिखेगी तो दूसरी तरफ बेकाबू भीड़। और पूरी घटना आपको बता दें, दरअसल यहां एक वाहन ने 3 लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मैजिक वाहन के चालक को बंधक बना लिया। इसके बाद पुलिस की टीम उसे छुड़ाने के लिए पहुंची तो गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस को घेरने की कोशिश की। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस टीम को लौटना पड़ा, लेकिन दरोगा भीड़ के बीच फंस गए, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्हें हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ये बीते एक हफ्ते में मोतिहारी जिले के अंदर पुलिस पर हमले का दूसरा मामला है। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे खुद को बचाने के लिए दरोगा को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। यहां पर जो कुछ असामाजिक तत्व थे, बेकाबू भीड़ ने पुलिस को भी घेर लिया और खुद को बचाने के लिए बिहार के मोतिहारी में पुलिस के दरोगा को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। और आप देखिए कैसे पुलिस की टीम को अपनी गाड़ी में बैठकर भागना पड़ रहा है इस बेकाबू भीड़ के चलते। दरोगा के साथ जो और पुलिसकर्मी थे वो उस गाड़ी से भाग गए। और यहाँ जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, पुलिसकर्मी को हवाई फायरिंग करनी पड़ी ताकि भीड़ तितर बितर हो और खुद को बचाया जा सके। ABP News आपको रखे आगे।